हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स क्वेश्चन नंबर 9.1। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस ट्यूटर को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे आप हमारे कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे और आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी कोई वीडियो हम अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो क्वेश्चन है, अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 4.7 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 3.0 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर स्ट्रेचेस by the same amount as a copper wire of length 3.5 meter and cross sectional area of 4.0 × 10⁻⁵ meter square under a given load. What is the ratio of Young's modulus of steel to that of copper? ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे फिर से एक बार स्पष्ट कर लें। एक स्टील वायर है जिसका लेंथ दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दिया हुआ है, उसको हम स्ट्रेच करते हैं सेम अमाउंट से। एक कॉपर वायर को भी जिसका लेंथ दिया हुआ है और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दिया हुआ है, दोनों को सेम लोड से हम स्ट्रेच करते हैं। तो हमें क्या निकालना है, यंग्स मॉडुलस का रेशियो निकालना है स्टील और कॉपर के का। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें दिया गया है लेंथ ऑफ द स्टील वायर, तो एल लिखेंगे यहां पे, स्टील मींस लेंथ ऑफ द स्टील वायर कितना दिया गया है, हमें दिया गया है 4.7 मीटर। पहले क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको अच्छी तरह लिख लेंगे, फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्टील वायर, स्टील कितना दिया गया है हमें, यहाँ हमें दिया गया है 3.0 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब उसी तरह यहाँ पे कॉपर वायर के लिए ये मान लीजिए स्टील के लिए था और यहाँ पे कॉपर कॉपर वायर के लिए लेंथ कितना दिया हुआ है, एल कॉपर लिख लेंगे, कॉपर या सीयू भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू कितना दिया गया है 3.5 मीटर। और क्रॉस सेक्शन एरिया कॉपर का कितना दिया गया है, 4.0 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर, ये दिया, ये गिवन है। ठीक है, ये हमारा गिवन है, यहाँ पे लिख लेंगे, ये गिवन चीजें हैं। अच्छा, अब हम क्या निकालेंगे, चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ को हम क्या लिखेंगे, डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ तो स्टील के केस में कितना है, स्टील के केस में जो चेंज इन लेंथ वो कॉपर के केस में चेंज इन लेंथ के बराबर है और उसको हम मान लेते हैं डेल्टा एल। ठीक है, चेंज इन लेंथ इन स्टील इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ इन कॉपर इज इक्वल टू डेल्टा एल। मान लीजिए फोर्स अप्लाइड जो है, फोर्स अप्लाइड उसको मान लेते हैं एफ। ठीक है, अब यंग्स मॉडुलस ऑफ द स्टील वायर, यंग्स मॉडुलस ऑफ द स्टील वायर मान लीजिए वाई है यंग्स मॉडुलस, यहाँ पे हम स्टील ईयर स्टील वायर क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स फोर्स अपॉन, फोर्स कितना है हमारा एफ है, अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द स्टील लिख लीजिए, ए स्टील हो गया, इनटू
length initial length kitna tha hamara l steel upon change in length kitna hai hamara delta l yahan pe mana hua hai change in length delta l ye ho gaya young's modulus of steel ab iska usi tarah hum iska values jo pata hai hame wo values hum bitha dete hain to chaliye values bitha dete hain to f ka value hame nahi pata hai f to humne mana hua hai given nahi hai lekin length of steel wo diya hua hai length of steel diya hua hai kitna 4.7 uske baad area of cross section of steel wire diya hua hai wo kitna hai 3.0 into 10 to the power minus 5 delta l change in length nahi diya gaya hai to humne aisa rakh diya ise to y steel young's modulus of steel is equal to itna ho gaya ise hum equation 1 maan lete hain ab chaliye copper ke case mein kya hai ye to steel ka case ho gaya ab copper ke case mein hum young's modulus of copper cu is equal to hum kya likh sakte hain force f upon area of cross section of copper acu into length of copper lcu or delta l ab f is equal yahan pe ycu is equal to kitna ho gaya f into 3.5 isko hum 3.5 likhenge upon area of cross section of cu kitna ho gaya 4 point ye diya hua hai 10 to the power minus 5 or change in length hame nahi pata hai to ye delta l ho gaya ये हो गया हमारा इक्वेशन 2 अब इक्वेशन अब हम क्या करेंगे दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा यंग्स मॉडुलस निकल आएगा का रेशियो निकल आएगा तो हम यदि रेशियो निकालना चाहते हैं स्टील का विद यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील विद रिस्पेक्ट टू यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर हम यहां पे डिवाइड करेंगे तो यहां पे लिखेंगे डिवाइड 1 equation 1 by equation 2 ठीक है तो हमारा ये आ गया is equal to हम लिख सकते हैं क्या हो जाएगा f into 4.7 upon 3 into 10 to the power minus 5 into delta l ये हो गया इसको डिवाइड कर देते हैं किससे f into 3.5 upon 4 into 10 to the power minus 5 into delta l इसको सॉल्व कीजिए इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आ जाएगा 4.7 ऊपर बचेगा 4 ये ऊपर चला जाएगा 4 into 10 to the power minus 5 और डेल्टा एल कट गया अपॉन ये 3 into 10 to the power minus 5 है ये ऐसा ही रहेगा डेल्टा एल और डेल्टा एल कट गया तो 3.5 ये वाला बचेगा 3.5 इसको इसमें कुछ कट जाएंगे जैसे 10 to the power minus 5 और ये सब कट जाएगा तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा 1.79:1 का रेशियो हो गया तो यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील टू दैट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू कितना हो गया 1.79:1 ये हो गया आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आशा करते हैं आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया हमारे इस वीडियो को यदि समझ में आया है और अच्छा लगा है प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और एक लाइक साइन दे दीजिए आपका आज का दिन शुभ हो इस शुभकामना के साथ हम लोग आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं थैंक यू वेरी मच